अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड पे बात करते हैं कि किस तरह जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है यूक्रेन के अंदर आया, और किस तरह यूक्रेन जो था वेस्टवर्ड मूवमेंट कर रहा था और रशिया ने उसके ऊपर अटैक किया। और फिर हम देखेंगे कि क्या ये अटैक का मतलब है कि रिसर्जेंस ऑफ रशिया हो रही है, इसका मतलब है रिवाइवल ऑफ नेटो है। फिर हम बाद में देखेंगे कि क्या यूक्रेन को हम दूसरा अफगानिस्तान कह सकते हैं। एग्जाम्पल से हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम लास्ट पे बात करेंगे कि इंटरनेशनल प्राइस हाइक जो हुई है दुनिया के अंदर, उसकी रीजंस क्या थी, उसके इफेक्ट्स क्या आए, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, और लास्ट पे हम क्या कर देंगे, अपने टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डेमोग्राफिक शिफ्ट इन यूक्रेन, कि यूक्रेन के अंदर जो डेमोग्राफिक शिफ्ट आया है वो किस तरह आया है। तो अगर हम बात करें तो ओरिजिनली द पॉपुलेशन इन यूक्रेन वाज रशियन इन बैकग्राउंड। जो अगर ओरिजिनली देखा जाए तो जो यूक्रेन के अंदर जो रशिया के अंदर जो पॉपुलेशन यूक्रेन के अंदर जो पॉपुलेशन है वो रशियन ओरिजिन की है। बट देर वाज इंक्रीज वेस्टर्नाइजेशन इन रशियन पॉपुलेशन, मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन वाज प्रो यूरोप। अब फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे वक्त गुजरा जो वेस्टर्नाइजेशन होगी उन लोगों की, और तकरीबन 70% जो लोग हैं यूक्रेन के अंदर वो जो हैं प्रो अमेरिकन हो गए या प्रो वेस्ट हो गए। इस यही हालत क्या हुई पार्लियामेंट के अंदर हमें नज़र आती है कि 2/3 मेजोरिटी जो थी उसके उसके साथ जो ज़ेलेंस्की है वो विन कर जाता है पार्लियामेंट के अंदर, और वो क्या होता है, वो क्या है, प्रो यूरोपियन पार्टी है। तो इस तरह हमें नज़र आता है कि डेमोग्राफिक शिफ्ट यूक्रेन के अंदर नज़र आता है कि जो लोग थे वहाँ पे प्रो मॉस्को से प्रो जो है वेस्ट हो जाते हैं, मतलब रशिया से उनका जो टिल्ट है वो वेस्ट की तरफ हो जाता है। अब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो प्रॉब्लम थी क्या, जो सबसे बड़ी वजह बनी कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, तो वो थी यूक्रेन की वेस्टवर्ड मूवमेंट, कि वो यूरोप की तरफ जो था दिन ब दिन उसके जो है कदम बढ़ते जा रहे थे, वेस्ट की तरफ जो है उसका वेस्ट के अम्ब्रेला के अंदर वो जा रहा था और वेस्ट का इन्फ्लुएंस उसके अंदर बढ़ रहा था। अब हम बात करेंगे कि किस तरह यूक्रेन जो था उसकी वेस्टवर्ड जो है मोबिलिटी हो रही थी। नंबर वन अगर हम बात करें तो ट्रेड रिलेशंस वो बढ़ा रहे थे। यूक्रेन यूक्रेन जो था वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ट्रेड रिलेशंस बढ़ा रहा था, पीपल टू पीपल कंटेक्ट बढ़ चुका था। इसके अलावा जो यूक्रेन था उसने यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई कर दिया था। इसके अलावा जो प्रो नेटो अप्रोच जो है यूक्रेन के अंदर हमें नज़र आती है, इसने नेटो कंट्री से जो वेपन्स वगैरह के भी परचेज़ किए, स्पेशली अगर हम बात करें यूएसए से इसने परचेज़ किए, यूके से परचेज़ किए, फ्रांस से, स्पेन से परचेज़ किए। इसके अलावा जो है नेटो कंट्रीज़ के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज बिगिन, जैसे कि पोलैंड के अंदर, ब्लैक सी के अंदर, बाल्टिक सी के अंदर। इसके अलावा नेटो मेंबरशिप के लिए इसने अप्लाई भी किया। तो ये तमाम चीज़ें क्या करती थी, रशिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को जो है उसको मुतासिर करती थी, उनको हर्ट करती थी। अब जो बढ़ती हुई जो पेनिट्रेशन थी वेस्ट की यूक्रेन के अंदर, इसने उसको रशिया को फोर्स किया कि इसके ऊपर कर दे, अटैक कर दे। उसने यूक्रेन के ऊपर उसको रोकने के लिए यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। अब इसके अब थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम इसके ऊपर बात करें तो जब व्हेन इट वाज यूएसएसआर, जब रशिया जो था यूएसएसआर का हिस्सा था, जब सोवियत यूनियन थी, जब डिसमेंबरमेंट नहीं हुई थी, तो जो ईस्टर्न यूरोप था या जो जो था जो बाल्टिक सी थे, नॉर्डिक कंट्रीज थे, सारे यूएसएसआर के अंदर थे। अब डिसमेंबरमेंट के बाद ये कंट्रीज़ जो थे वो सेपरेट तो हो गए लेकिन रशिया के इन्फ्लुएंस में रहे, मॉस्को का इन्फ्लुएंस इनके अंदर नज़र आया जो है बहुत ज़्यादा। जो है मैनी रिमेंड द पार्ट ऑफ वार्सा पैक्ट जो किसने लॉन्च किया था, रशिया ने, रशियन लैड एक मिलिट्री अलायंस थी। अब उसके मुकाबले में जो वेस्ट था उसने नेटो को जो है लॉन्च किया था 1949 के अंदर, और उसके बाद एक इनके दरमियान कोल्ड वॉर रहती है 1945 से बाद 1991 तक, जो है रशिया और मतलब यूएसएसआर और अमेरिका के दरमियान कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की जंग भी इसको कहते हैं। तो दो तरह से, एक तरफ नेटो सीटो और सेंटो होता है अमेरिका का जो ब्लॉक होता है, दूसरी तरफ से वार्सा पैक्ट जो होता है रशिया जो है वो लॉन्च करता है। तो इन स्टार्टिंग डेज जो ये कंट्रीज़ थी इनके ऊपर मॉस्को का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो नेटो की पेनिट्रेशन है रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में इंक्रीज़ करती जाती है, जैसे कि ईस्टर्न यूरोप के अंदर, नॉर्डिक और बाल्टिक सी के अंदर जो है, ये 1995 में हम देखते हैं, 2004 के अंदर देखते हैं, और 2008 में जो है उसने एन अदर अटेम्प्ट इन केस ऑफ जॉर्जिया विच वॉज फेल्ड बाय रशिया, जो है नेटो एक अटैम्प्ट करता है कि जो जॉर्जिया जॉर्जिया है उसको अपने साथ मिला लें, लेकिन इसकी ये जो अटैम्प्ट है
रशिया जो है नाकाम बनाता है। उसके बाद जो है हमें 2014 में नज़र आता है कि जो क्रीमिया को अनेक्स कर लेता है उसको नेटो की जो है इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए या वेस्टर्न कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस को ब्लॉक करने के लिए। और अभी हम रिसेंटली क्या देख रहे हैं कि यूक्रेन के ऊपर जो है सबसे बड़ी वजह जो थी जिसकी वजह से यूक्रेन के ऊपर उसने हमला किया ताकि जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है उसको रोका जाए, जो वेस्टर्न पेनिट्रेशन हो रही है मॉस्को के जो इन्फ्लुएंस के अंदर या मॉस्को के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर उसको कम किया जाए। अब वेस्टवर्ड मूवमेंट हमने बात कर ली किस तरह जो है कर रहा था यूक्रेन पर, रशिया ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब आगे अगर हम मज़ीद बात करें तो रशिया ने जो अटैक किया है वो उसकी अगर उसके पर्सपेक्टिव देखें या उसके देखें एंगल्स देखें तो किस तरह से मतलब उसने मिनी अटैक किया है या मेजर अटैक किया है, तो उसने ना ऑल ओवर जो वॉर है उसको डिक्लेयर कर दिया है। तकरीबन 200,000 जो ट्रूप्स हैं उसने यूक्रेन के अंदर दाखिल कर दिए हैं। रशिया ने ईस्टर्न साइड से साउथ ईस्टर्न साइड से जो यूक्रेन पर हमला किया, इससे जो बेलारूस वाली साइड से इसके ऊपर हमला किया। इसके अंदर जो है उसने जो स्टेप्स उठाए रशिया ने वो ये थे कि पहला स्टेप उसका यह था कि उसने 4 रीजन्स को ब्रेक अवे रीजन्स करार दे दिया जो ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न साइड पे थे जिसमें डोनेट्स्क है, लुहांस्क है, खेरसन है, इनको उसने जो है ब्रेक अवे रीजन करार दिया। इसके अलावा इसने क्या कर लिया, हमले के बाद जो उसकी कोस्टल बेल्ट है यूक्रेन की उसको कैप्चर कर लिया जो ब्लैक सी के साथ है, सी पोर्ट्स के ऊपर कब्जा कर लिया, नेवल बेसिस पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा इसने नेवी पे अटैक किया, एयरफोर्स के जरिए अटैक किया, एयर बेसिस पे अटैक किया, एयरपोर्ट्स पे अटैक किया, हाईवेज पे अटैक किया। इसके अलावा उसने अर्बन सेंटर्स को अटैक किया यूक्रेन केस, यूक्रेन को जो लॉस हुआ है इस जंग के अंदर जो अभी कंटिन्यू है $600 बिलियन से भी ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यूक्रेन का बहुत बुरी तरह से मुतासर होता है। इसके अलावा ना सिर्फ इकोनॉमिक इम्प्लिकेशन थी इस वॉर की बल्कि सोशल इम्प्लिकेशंस भी आती हैं। तकरीबन 3.6 मिलियन जो रिफ्यूजीज़ हैं वो यूरोप के अंदर जो हैं वो अपना गुजीन होते हैं पोलैंड के अंदर, जो बाल्टिक कंट्रीज़ के अंदर मूव कर जाते हैं, और तकरीबन 4 मिलियन IDPs जिन्हें इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है वो इसके नतीजे में जो है निकलते हैं। मोर देन 70% जो पॉपुलेशन है इस जंग से मुतासर होती हैं। अब एक और जो एंगल है जिस पे बात होती है करंट अफेयर में इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आता है वो ये है कि क्या जो रशिया के ऊपर अटैक है क्या ये रिसर्जेंस ऑफ रशिया है या रिवाइवल ऑफ नेटो इसको कहेंगे। तो हम अगर बात करें तो ये हम एक अगर एक जो स्कूल ऑफ थॉट है जिसको रिसर्जेंस ऑफ रशिया कह रहा है वो स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है इन 1991 जो USSR की जो डिसमेंबरमेंट हुई थी 15 स्टेट्स के अंदर, तो दुनिया क्या बन गई थी, यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई थी। फुकुयामा ने इसको द एंड ऑफ हिस्ट्री कहा था और उसने कहा था कि अब जो एक सोल जो सुपर पावर है और वो कौन सी पावर है, वो अमेरिका है। लेकिन 21st सेंचुरी की स्टार्ट के बाद जो है रशिया जो था अंडर व्लादिमीर पुतिन वो क्या करता है, अपनी रिसर्जेंस और रिवाइवल को स्टार्ट करता है। इसकी पहली एग्जांपल हमें मिलती है 2008 में जॉर्जिया के अंदर जो है इसके अटैक करता है और उसको नेटो का मेंबर बनने से रोक देता है। फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड जॉर्जिया, अब ये होता है कि जॉर्जिया में क्या होता है आखिर के वो उसके ऊपर अटैक करके उसको रोकता क्यों है। फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड जॉर्जिया इंक्रीज रिलेशंस विद यूरोपियन यूनियन नेटो विच वर नॉट एक्सेप्टेबल बाय रशिया। अब क्या हो रहा होता है 2000 के बाद जॉर्जिया के जो रिलेशंस हैं यूरोपियन यूनियन और नेटो के साथ बढ़ रहे होते हैं जो रशिया के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थे, दैट इंक्रीज वो इंक्रीज उनकी जो थी रिलेशंस में, ट्रेड रिलेशंस में थी, पीपल कॉन्टैक्ट्स में थी, बॉर्डर रिलैक्सेशन में थी, ऑन द नेटो हैंड वाज परचेज ऑफ वेपन्स थी, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी। तो जो रशिया था उसने क्या कर दिया, जॉर्जिया के ऊपर अटैक कर लिया और 3 दिन के अंदर अंदर पूरे जॉर्जिया को कंट्रोल कर लिया। रशिया ने जॉर्जिया को इस शर्त पे जो है वहाँ से उसके अपने अफवाज निकाली कि जॉर्जिया जो है जो रशिया और नेटो की लड़ाई है उसके अंदर न्यूट्रल रहेगा, और उसने रशिया ने क्या कर लिया, अपनी मिलिट्री बेसिस भी जॉर्जिया के अंदर एस्टैब्लिश कर ली और इसमें जो नेटो कंट्रीज थी उसको रोकने से नाकाम रही। तो ये पहले एग्जांपल मिलती है स्कूल ऑफ थॉट से कि रशिया क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है या रिवाइव कर रहा है या दोबारा ज़िंदा हो रहा है। अगर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया की हमें बात मिलती है, यूक्रेन का जो एक पार्ट था क्रीमिया इसको उसने जो है अनेक्स कर लिया जो है रशिया ने, और क्योंकि वो भी क्या कर रहा था, उसका टिल्ट जो था वेस्टवर्ड टिल्ट नज़र आ रहा था यूक्रेन का बढ़ता हुआ टिल्ट, तो उसको ब्लॉक करने के लिए उसने क्या कर लिया, क्रीमिया को अनेक्स कर लिया। इन 1960 में क्या हुआ था कि जो ये गिफ्ट किया गया था यूक्रेन को बाय रशिया, जो क्रीमिया था एक एरिया है रशिया ने जो था यूक्रेन को इसको गिफ्ट किया था, जो इसकी यूक्रेन के लिए जो है इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि रशिया एक्सेस द ब्लैक सी विया क्रीमिया, जो रशिया है अगर
उसने ब्लैक सी को एक्सेस करना है तो क्रीमिया के जरिए से कर सकता है। रशिया ऑलरेडी हैड मिलिट्री बेसिस इन क्रीमिया, पीपल मोस्टली वर प्रो मॉस्को एंड और प्रो मॉस्को प्रो रशिया एंड एंड देन दिस थिंग प्रोवाइडेड द एज टू रशिया। फिर रशिया ने क्या किया, वहाँ पे एक रेफरेंडम करवाया और तकरीबन 96% जो वोट थे जो प्रो मॉस्को जो पार्टी थी या रशिया के जो है फेवर के अंदर आए, और उसके नतीजे में उसने क्या कर लिया, जो क्रीमिया था उसे एनेक्स कर लिया। इसको जो है इसका जो रेजोल्यूशन था उसके रिलेटेड जो था US जो था वो इंटरनेशनल फोरम पर ले गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ले गया, लेकिन रशिया ने वहाँ क्या कर दिया, वीटो कर दिया। तो ये दूसरी एग्जाम्पल मिलती है कि रशिया किस तरह जो है वो क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अगर थर्ड एग्जाम्पल की बात करें कि रशिया जो है किस तरह रिसर्च कर रहा है, तो रशिया ने सपोर्ट की है सिविल वॉर को ईस्टर्न और सदर्न जो है पार्ट ऑफ यूक्रेन को, और वहाँ पे जो अब आर्म्ड अपराइजिंग है वहाँ जो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग जो हैं प्रो रशियन है, तो उसने यूक्रेन के खिलाफ जो है उन एरियाज में जो है फंड किया है। दिस अपराइजिंग वॉज फंडेड बाई रशिया एंड वेपनाइज्ड फ्रॉम 2014 टू 2020 सिविल वॉर कंटिन्यूड इन दीज एरियाज, और रिजल्टेंटली हमें नज़र आता है कि चार एरियाज जो हैं ब्रेक अवे उसने डिक्लेयर कर दिए, और वेस्ट और या नेटो कंट्रीज थी इस मामले में कुछ न कर सकी। तो यहाँ पर भी ये एग्जाम्पल मिलती है कि रशिया रिसर्च कर रहा है। इसके अलावा जो चौथी एग्जाम्पल मिलती है कि जो सीरिया और रशिया जो सीरिया के अंदर है या दूसरे ममालिक के अंदर है, एक तरफ ब्लॉक है US का GCC और FSA अल नुसरा का, जिसको GCC कंट्री जो है वेस्ट जो है सपोर्ट करता है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम सीरिया की बात करें तो रशिया में जो रशिया है वो सीरिया में बशार अल-असाद की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, जबकि दूसरी तरफ जो है GCC कंट्रीज और जो KSA है या अमेरिका है वो दूसरे जो है इसके खिलाफ है उनको सपोर्ट करते हैं। तो आज तक जो है वो बशार अल-असाद की गवर्नमेंट को नहीं गिरा सके जिसको वो बैक कर रहा था ईरान और रशिया। तो यहाँ पर भी हमें यह नज़र आता है कि वेस्ट जो है उसको डिफ़ीट करने में जो है नाकाम रहा सीरिया के अंदर। तो ये भी एक एग्जांपल है कि रशिया की रिसर्जेंस हो रही है। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं यूरोप के, वहाँ पे ये फेयर पाया जाता है कि आज अगर यूक्रेन के ऊपर हमला हो गया है तो कल जो है रशिया हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है, बाल्टिक कंट्रीज़ के अंदर जो है नॉर्डिक नेशंस के अंदर, तो उनमें फेयर पाया जाता है हु इज़ द नेक्स्ट, कि अब अगला जो है अटैक किस पे किसके ऊपर पाया किसके ऊपर होने वाला है, जिसमें फिनलैंड है, पोलैंड है, एस्टोनिया वगैरह है, इनके अंदर ये फेयर पाया जाता है। अभी अगर हम रिसेंट में बात कर लें तो फिनलैंड ने 4 अप्रैल 2023 को जो है नेटो को ज्वाइन कर लिया और अब नेटो मेंबरशिप 31 हो गई है। अब हम रिवाइवल ऑफ जो है नेटो की बात कर लेते हैं कि क्या ये इसको हम रिवाइवल ऑफ नेटो कह सकते हैं या और जो है यूक्रेन को एंड अदर अफगानिस्तान कह सकते हैं, क्या यहाँ यूक्रेन के अंदर जो है रशिया को फिर से शिकस्त होगी। तो अगर हम इसके ऊपर बात करें तो जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो ये लग रहा था कि जो है द बियर इज़ बैक, इंक्रीज्ड फेयर था यूरोप के अंदर। तो अब अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ चले जाएँ तो 1949 में नेटो जो है बनता है, उसमें 12 कंट्रीज़ इनिशियल थे, अब इसके अंदर जो है 31 कंट्रीज़ हैं। तो इसकी रीज़न यही थी कि जो है डिफेंस कलेक्टिव डिफेंस को प्रोवाइड करना अंडर द आर्टिकल 5 ऑफ नेटो चार्टर, जो अगर एक मुल्क के ऊपर एक कंट्री के ऊपर हमला होता है तो ये 31 ममालिक मिलकर जो है उसका डिफेंस करेंगे और उसकी हेल्प करेंगे। अब उसके अलावा टू न्यू कंट्रीज़ ने इसकी जो है मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, जैसे कि पोलैंड है, एस्टोनिया, तीसरी फिनलैंड थी जो कि अब मेंबर बन चुकी है। तो अब जो है यूक्रेन ने भी यही किया हुआ था कि इसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था जो रशिया को पसंद नहीं, और रशिया ने इसके ऊपर हमला कर दिया। अब क्या हो रहा है कि अब इस जंग के अंदर जो नेटो कंट्रीज़ हैं यूक्रेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर लिए मिलिटरली, इकोनॉमिकली और इसके अलावा जो है स्ट्रेटजिकली, तो बहुत ज़्यादा जो है इसको जो है फंड कर रही हैं ताकि किसको काउंटर किया जा सके, रशिया को काउंटर किया जा सके। तो इंक्रीजिंग अब हमें नेटो कंट्रीज़ जो है इसके ऊपर वो फंड भी करती हुई नज़र आ रही हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करती हुई नज़र आ रही हैं, उसमें USA है, UK है, फ्रांस है, जर्मनी है। तो अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन हमें एक स्ट्रॉन्ग जो है ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नज़र आ रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि रिवाइवल ऑफ नेटो भी हो रही है। अब जो है पास में ये हुआ था कि जो ट्रंप था उसके कुछ स्टेप्स की वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था और नेटो जो है जूं लग रहा था कि वीक हो रही है, लेकिन अब दोबारा से ये क्या कर रही है, ये भी रिवाइव कर रही है। अब इंक्रीजिंग जो है मिलिट्री सपोर्ट इन्होंने की है इसकी यूक्रेन की, उसमें जो है अब जो यूक्रेन है इसीलिए जो है काफ़ी स्ट्रांगली रिजिस्ट कर रहा है रशिया को। तो अब इसको जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो सकती है कि क्या यूक्रेन जो है इसको अनदर अफगानिस्तान कहा जा सकता है। तो अभी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है तो इसके ऊपर मज़ीद हम बात करेंगे आने वाले जो है लेक्चर्स में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस वॉर की वजह से इंटरनेशनल प्राइस हाइक कैसे हुआ,
या इसको हम कह लें कि कमोडिटी सुपर साइकिल कैसे आ गया, मतलब जो है दुनिया के अंदर जो है कीमतें जो चीज़ों की हैं वो कैसे बढ़ गई। तो जो दुनिया थी वो हाईएस्ट जो है प्राइस जो है अभी वो फेस कर रही है कि जो 4 डेकेड में, पिछले 4 सदियों में इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी जो दुनिया में अब है। अब हाईएस्ट इन्फ्लेशन है यूरोप के अंदर है, और अब इसके नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, कनाडा के अंदर है, मेक्सिको के अंदर है, साउथ एशिया के अंदर है, और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर है, और बहुत सी कंट्रीज़ जो है डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं, जैसे कि श्रीलंका और इजिप्ट है, और पाकिस्तान ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट है, पाकिस्तान उसके जो है किनारे पर है डिफ़ॉल्ट करने के। अब हम रीजंस की बात कर लें कि इतना ज़्यादा जो है अब्रप्ट जो है हाइक है प्राइसेस का, इसमें उसकी वजह क्या थी। तो कोविड-19 की वजह से 2020 के अंदर मार्केट्स बंद थी, ट्रांसपोर्ट बंद थी, जिसकी वजह से जो है इंडस्ट्रीज क्लोज थी, दो चीज़ें जो थी उनकी प्राइसेस ड्रॉप कर गई। इवन के जो अगर फ्यूल की बात कर लें उसमें, तो उसमें जो है 23 जो है डॉलर का एक बैरल मिलता था उस वक्त, उस तो ये लास्ट डेकेड में सबसे लोएस्ट था। और नेगेटिव प्राइसिंग भी इवन कि यूएसए ने की, कि पैसे भी ले जाओ और ऑयल भी ले जाओ, क्योंकि वो डंप नहीं कर सकते थे चीज़ों को। अब फिर क्या हुआ, कोविड-19 जो है उसका खतरा रिसीड गया, और दोबारा से मार्केट्स, ट्रांसपोर्टेशन और ये चीज़ें ओपन हुई, तो अल्टीमेटली जो प्राइसेस थी उन्होंने हाइक करना था, और तकरीबन इनिशियली 23 जो बैरल डॉलर का एक बैरल था, फिर वो 78 का हो गया, और अभी जो हम देखें तो 127 जो है डॉलर का एक बैरल हो चुका है। और इसके अलावा जो दूसरी खाने पीने की अशियाँ हैं उनकी कीमतें भी बेहद उनमें जो है कीमतों में इजाफा हुआ है। दूसरी वजह ये बनी कि जो यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई, तो जो रशिया था एक तो हाइड्रोकार्बन्स का एक्सपोर्टर था, यूक्रेन जो है वीट या जो फूड प्रोडक्ट्स है उसका एक्सपोर्टर था, इन्होंने एक्सपोर्ट रोक दी, तो जो अल्टीमेटली जो वर्ल्ड नीड थी वो मिडिल ईस्ट के ऊपर शिफ्ट हो गई। तो मिडिल ईस्ट में जो है वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल या हाइड्रोकार्बन्स अवेलेबल कम थे और डिमांड ज़्यादा थी, अल्टीमेटली जो प्राइस थी उसने क्या कर दिया, हाई कर दिया। तो वहाँ पर यूएसए ने उसको, सऊदी अरेबिया को कहा कि वो जो है ऑयल के प्रोडक्शन ज़्यादा करें ताकि जो कीमतें हैं वो कम हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो अल्टीमेटली जो प्राइस जो है हाई का हमें सामना करना पड़ा। तो ये अगर इसका सोल्यूशन ये है कि जो है अभी अगर ये जो है यूक्रेन के जो इशू है उसको जो है पीसफुली जो है सॉल्व होना चाहिए, ताकि जो है इंटरनेशनल जो प्राइस हाइक है उसमें जो है कमी आ सके, एक तो एंगल ये है, दूसरी तरफ जो है पीस भी दुनिया में बिल्ड हो, और जो एक ऑल ओवर वॉर है उससे पूरी दुनिया को बचाया जा सके। तो आज हमने बात की यूक्रेन इशू के बारे में। यूक्रेन इशू के बारे में सबसे पहले हमने बात की कि किस तरह यूक्रेन के अंदर डेमोग्राफिक शिफ्ट आता है, उसकी वेस्टवर्ड मूवमेंट होती है जो रशिया को पसंद नहीं आती, तो रशिया उसके ऊपर हमला कर देता है। और अब ये जो डिबेट हो चल रही है जो है दुनिया के स्कॉलर्स में कि क्या ये रिसर्जेंस ऑफ रशिया है, ये रिवाइवल ऑफ नेटो है, तो इसके ऊपर जो है अब आगे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उससे पता चलेगा कि ये क्या ये रिवाइवल ऑफ नेटो है और ये क्या रिसर्जेंस ऑफ रशिया है। उसमें रिसर्जेंस ऑफ रशिया पर हमने कुछ आर्गूमेंट्स दिए, फिर रिवाइवल ऑफ नेटो पर भी हमने कुछ बातें की, उसके बाद क्या हम यूक्रेन को अनदर अफगानिस्तान कहेंगे, और इसके अलावा इंटरनेशनल प्राइस हाइक के ऊपर बात की, उसकी रीजंस क्या थी, उसके इफेक्ट्स क्या है और इसके सोल्यूशंस क्या है। और अब हमने अपने टॉपिक को कंक्लूड कर दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूक्रेन क्राइसिस, और सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।